नमस्कार, शुभ प्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन इस खूबसूरत मंगल वेला में हंसा वाहिनी को शत शत नमन करते हुए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत रुचिरा पाठ्य पुस्तक के भाग तृतीय के सप्तम पाठ अहम भारत जनता हम के अंतर्गत आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हमने अहम भारत जनता हम के अंतर्गत आपने ऑडियो को बार बार सुना और पाठ को समझा। आइए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पाठ सप्तम के अभ्यास कार्य को करते हैं। प्यारे बच्चों, पूर्व की क्लास में आपने अब तक जो भी अध्ययन किया, पढ़ा, सीखा, उसका एक ऑल ओवर कॉमन टेस्ट आपका शीघ्र ही लिया जाएगा। आप तैयार रहें, परंतु आज की ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप तैयार बैठे हुए हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक को निकालें और अभ्यास कार्य को देखें। मेरे साथ में आप भी अभ्यास कार्य को पढ़ते जाएं और प्रश्नों के उत्तर करते जाएं। तो देर किस बात की मेरे बच्चों, आइए अहम भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। प्यारे बच्चों, भारत की जनता सरल, विनम्र, मृदुभाषी और सुख दुख का साथी है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाली भारत की जनता है। भारत की जनता विपत्ति आने पर अपने सभी सुखों को त्याग कर आपके साथ में खड़ी रहने वाली जनता है। प्यारे बच्चों, हमारी प्रकृति हरी भरी, हमारी वसुंधरा हमें अनेक प्रकार के साधन प्रकृति से प्राप्त हैं। हमको उसकी रक्षा करना भी भारत की जनता का परम कर्तव्य है। प्यारे बच्चों, मैंने षष्ठम पाठ को छोड़ा है ग्राम शून्यम सुताम बिना, कारण कि पात्रों पर आधारित ये पाठ है। जब भी क्लासेस लगेगी, पात्र परिचय वाले जो पाठ है उनको पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैंने छठे पाठ को छोड़ा। आइए सातवें पाठ के ऑडियो सुनने के पश्चात कठिन शब्दार्थों को भी पढ़ा, आपने पाठ को भी पढ़ा, साथ ही हिंदी अनुवाद को भी समझा। आइए आज करते हैं अभ्यास कार्य को। पाठ का प्रथम जो प्रश्न है, पाठ्य देवतानाम पद्यानाम सरस्वर वाचनम कुरुतः। आप अभी अपने घर पर स्वयं पाठ का वाचन करें, स्वर के साथ में, लय के साथ में, और जब क्लास लगेगी सामूहिक रूप से आपका वाचन करवाया जाएगा। द्वितीय प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखतः। हमेशा की भांति यहाँ पे भी प्रश्न एक शब्द में आपको उत्तर देना है। प्यारे बच्चों, आप अहम वसुंधरा किम बने इन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और आप पाठ का वाचन करेंगे, आपको एक एक करके उत्तर मिलते जाएंगे। आप कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, यह शाश्वत सत्य है। एक चिट्ठी की कहानी भी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि चिट्ठी बार बार प्रयत्न करती है दीवार पर चढ़ने के लिए, एक छोटा सा दाना लेकर बार बार गिरती है और संभलती है और वापस चलती है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी बार बार पढ़ना है, नहीं समझ में आया उसको बार बार पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद को समझेंगे, निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। बावजूद कोई क्लिष्टता हो, कठिनता हो, तो समस्या समाधान वाला जो आपने एक अलग से ही खंड बना रखा है उसमें उस प्रश्न को डाल दीजिए, जब भी अपन समय मिलेगा उनको क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य न लिखा तो। एक तो एक पद में उत्तर को लिखना है, दूसरा पूर्ण वाक्य को उत्तर में लिखना है। आइए तीसरा प्रश्न पूर्ण वाक्य वाला हो गया प्यारे बच्चों। अब है चौथे प्रश्न में चलते हैं, संधि विच्छेदम पूर्यक। यहाँ पर पूर्व कक्षा में आपको संधि विच्छेद करवाया गया था, कोई बात नहीं, आप भूल गए हो, आपको नहीं आता है, हम संधि की एक अलग से क्लास लेंगे। पर अभी
पाठ के दौरान अभ्यास करेंगे, जो भी संधि विच्छेद आए हैं उनको अपन क्लियर करते जाएंगे, और एक अलग क्लास भी अपन संधि के प्रकार, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, इन तमाम बातों को अलग क्लास में अपन पढ़ेंगे। आइए चौथे प्रश्न में संधि विच्छेद जो करने के हैं उनको अपन यहाँ देखते हैं, बोर्ड पर लिखे गए हैं। पहला संधि विच्छेद है प्यारे बच्चों विनयो पेता, उसका हमको संधि विच्छेद करना है। विनय धन उपेता, कुसुमादपि, कुसुमात धन अपि, चिनोम्युमयम्, चिनोमि धन उम्यत्, नृत्यैर्मुग्धम्, नृत्यैर्धन मुग्धम्, प्रकृतिरस्ति, प्रकृति ही धन अस्ति, लोक क्रीड़ा सत्ता, यानी लोक क्रीड़ा धन आ सकता। ये आपके संधि विच्छेद किए हुए, ये संधि वाले शब्द हैं और ये इनका विच्छेद किया गया, इनको कैसे किया ये आपको अलग से क्लास में पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा व्याकरण क्लास के अंतर्गत। आइए मेरे बच्चों प्यारा पांचवा प्रश्न है, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, यहाँ पर जो है वो विशेषण और जो विशेष्य लिखे गए हैं उनके पदों को मिलान करना है। अब विशेषण कौन कौन से, सुकुमारा, सहजा, विश्वसनीय, समम, समस्त। किसी कार्य को, किसी व्यक्ति में कोई विशेषता दिखती है तो उसका विशेषण कहलाता है। जैसे मोहन की लिखावट बहुत सुंदर है, वो सुंदर है क्या है, उसकी विशेषता है, विशेषण। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर पहला विशेषण कौन सा है, सुकुमारा। सुकुमारा कौन है, तो भारत की जनता, भारत की जनता सुकुमार सुंदर है। दूसरा है सहजा, सहज कौन है, प्रकृति, हमारे भारत की प्रकृति है, सहज है, सुंदर है। विश्वसनीय, अब विश्वसनीय कौन है, जगत, हमारा जो ये संसार है बहुत ही विश्वसनीय है। समा यानी जगत, समस्ते यानी संसार, इस प्रकार से ये विशेषण है। और ये इसके विशेष जो क्रम के अनुसार नहीं लिखे गए थे पर यहाँ हमने उनको मिलान कर दिया, ठीक उसी प्रकार से आपको भी कॉपी में करना है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों छठा, समानार्थक पदानि मेलयत, यानी जो यहाँ शब्द दिए गए हैं उन सामने वाले शब्दों के क्रम उलट बदले हुए हैं, क्रमानुसार लिखे हुए नहीं है, बदल बदल कर क्रमों को लिखा गया, तो जो लिखे हुए हैं उससे कौन सा मेल होता है उससे अपन को मिलान करना है। आपके समक्ष ये भी हमने किया हुआ है, आइए जानते हैं। जगति, जगत यानी उसका पर्यायवाचक संसार, कुलिशात यानी व्रजात, प्रकृति यानी स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव होता है, बार बार अपन वाक्य में प्रयोग करते हैं। चक्षुषा यानी चक्षु यानी आंखें, आंखों का पर्यायवाची शब्द और कौन सा है, नेत्र है ना, नेत्रेण। वसुंधरा यानी हमारी धरती, पृथ्वी माता, धरती माता। ठीक है मेरे बच्चों, और अगला प्रश्न आपका सातवां प्रश्न है, हाँ और ना, आम और न का। जो भी आपके समक्ष जो वाक्य लिखे गए हैं उसमें आपको अगर वो सही है तो आम लिखना है, गलत है तो न लिखना है। सातवें प्रश्न में अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि, न समम जगत मम काव्य ही मुग्धमस्ति, आम अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, न हम तो विवेकशील है भाई, भारतीय जनता विवेकशील है, अविवेका थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, अहम वसुंधरा कुटुंबम न मन्यते, न भाई हम तो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे पूर्वजों की सीख है, इसलिए यहाँ पे न आएगा है ना। अहम विज्ञान दना ज्ञान दना चास्मि, हाँ भाई हम तो विज्ञान के धनी है, ज्ञान के धनी है। इस प्रकार से आपको ये
बोर्ड पर कार्य करवाया गया है, अभ्यास करें। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार देखें और समझें, तत्पश्चात अपनी कॉपी में अभ्यास कार्य करें। एक बात और प्यारे बच्चों, अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपनी क्लास को लाइक नहीं किया है, जरूर करें। देर किस बात की, शीघ्र ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तभी आपके मोबाइल पर अगला नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा, वरना आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। प्यारे बच्चों, COVID-19 महामारी के चलते गाइडलाइन के जो आसान तरीके हैं, उनको हमारे साथ में आपको भी पालन करना बहुत अनिवार्य है, तभी ये महामारी रुकी हुई है। अभी पूर्णतः कोविड यहाँ से गया नहीं है। पहला कौन सा, मास्क लगाए, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करें, साथ ही भीड़ वाली जगह पर कदापि नहीं जाए और आवश्यकता होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें। इन नियमों का पालन करेंगे, निश्चित ही आप सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही, अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दें, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। प्यारे बच्चों।